I'm sorry, Appa. हम शर्मिंदा हैं। आपने शरिया बोर्ड में जो कुछ भी कहा उसके लिए आप शर्मिंदा हैं? तो किस बात के लिए माफी मांग रही हूं? आपकी बात ना मानने के लिए और तुम अपनी सोच के लिए शर्मिंदा क्यों नहीं हो जारा? क्योंकि हमारी सोच गलत नहीं है अम्मा, एक वक्त में दी जाने वाली तलाक सही नहीं है। तलाक का ये तरीका ना तो कुरान में मौजूद है ना ही हदीस में। शरीयत के असूल तय करने के लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और हदीस के साथ साथ कुछ हक स्कॉलर्स को भी दिए हैं जरा। हम मानते हैं अब्बा, स्कॉलर्स के पास कानून बनाने का हक है, मगर सिर्फ उन बातों का जो कुरान और हदीस में नहीं है। मगर तलाक का तरीका कुरान में मौजूद है अब्बा। हम आपके इल्म की कद्र करते हैं और ये भी मानते हैं कि आप में सच बोलने का हौसला है जारा, लेकिन आप इस शहर की सियासत को नहीं समझती जारा। हमारे ख्याल से आप यूनिवर्सिटी वापस चली जाइए और वहां जाकर एमए की तालीम पूरी कीजिए, आगे पीएचडी कीजिए। अब्बा आपको इल्म भी है जारा, आपकी वजह से आपके अब्बू शरिया बोर्ड के चेयरमैन से इस्तीफा दे रहे हैं। अब्बा क्या आप सच में रिजाइन कर रहे हैं? इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है अब हमारे पास। नहीं अब्बा, आप किसी भी कीमत पर रिजाइन नहीं करेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो हम यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगे बल्कि हम मीडिया के पास जाएंगे और ट्रिपल तलाक के खिलाफ खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जारा, या अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम आजो। वालेकुम अस्सलाम। दीजिए हम कर देते हैं। लो, क्या बात है, आज सुबह सुबह की नमाज वो भी सही वक्त पर अपने होने वाले सास ससुर के लिए पढ़ी है या फिर कबीर के लिए? अल्लाह से कबीर को मांगने के लिए। अरे मेरी बन्नू, सब कुछ अल्लाह मियाँ पे छोड़ोगी क्या? अल्लाह मियाँ भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद अपने आप की मदद करते हैं। खान सामा को बोलकर कबीर के लिए बेटी बनवा लो, मगर लेकर तुम खुद जाना। ठीक है। साथ में एक एक हाफ फ्राई ऑमलेट भी बनवा लेना, मगर याद रखना कबीर के सामने बेटी मत बोलना वरना पिएगा नहीं तुम्हारा मौलवी। समझी? समझ गई। कौन है? रुखसार, तुम्हारे लिए चाय लेके आए हैं, अंदर आ जाएं। नहीं नहीं, हम अभी आते हैं। वाओ, क्या हुआ? तुम इन कपड़ों में कितने अलग मगर कितने अच्छे लगते हो। क्या खास है इन कपड़ों में? खास बात कपड़ों में नहीं, इंसान में होती है और वो आप में है। रुखसार जी, हमें ऐसे क्यों लग रहा है कि आप फिर से नामहरम पे डोरे डाल रही हो? अरे मौलवी साहब, आप बोर नहीं हो जाते हो इतने भारी भरकम लफ्ज बोलकर? कभी महरम तो कभी ना महरम, होना जाने क्या क्या, सीधी सादी हिंदुस्तानी जुबान बोला कीजिए। जी रुखसार जी, माफ कीजिए।
लखनऊ के शहर काजी की बेटी तीन तलाक के मुद्दे पर अपने वालिद के खिलाफ। ज़ारा, क्या हुआ अम्मा? बहुत शौक था ना तुम्हें मीडिया में जाने का? ये लो, आज मीडिया खुद चल के हमारे दरवाजे आके है। काजी's daughter stands against him on triple talaq. काजी इरफान सिद्दीकी का खानदान बरसों से पूरे लखनऊ शहर में अपनी काबिलियत और अपनी शर्मो हया के लिए जाना जाता था। ज़ारा सिद्दीकी, हमारे घर की बेटियां और बहुएं सारी जिंदगी गुजार के मर भी जाए ना तो भी उनकी शक्ल कोई पहचान नहीं पाता था, लेकिन आज हमारी बेटी का चेहरा, हमारी बेटी का चेहरा सारा लखनऊ शहर पहचानता है। क्यों? अखबार में सिर्फ तुम्हारी तस्वीर नहीं छपी है ज़ारा, बल्कि तुम्हारे बाप दादा की इज्जत नीलाम हुई है चौराहे पर। अग्रवाल साहब, हम आपके और आपके अखबार के बहुत शुक्रगुजार हैं। आप नहीं जानते कि काजी साहब की बेटी की वो खबर छापकर आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, और यकीन मानिए हमारी कंपनी का जो भी अगला बड़ा इश्तहार होगा सबसे पहले हम आपके अखबार में रिलीज करेंगे। जी बहुत जल्द। अबू, इसका मतलब ये खबर आपने छपवाई थी? जी, कोई एतराज आपको? अबू, हम नहीं चाहते थे कि एक पढ़े लिखे आलम और एक इज्जतदार इंसान की इज्जत इस तरह मीडिया में उछाली जाए। तुम नहीं चाहते थे? एक बात बताओ मुझे कबीर, मजहब की जो किताब तुमने पढ़ी है क्या उसमें लिखा है कि बेटा जो चाहे ना चाहे एक बाप को उसी पर अमल करना चाहिए? या फिर ये लिखा है उस किताब में कि बाप चाहे कुछ भी कर दे, कोई भी गुनाह कर दे, एक बेटे को उस गुनाह की सजा भुगतने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए? तुम ज्यादा मत सोचो इसके बारे में, खामखा परेशान हो रहे हो। और वैसे भी जो ख्वाब देखने की हिम्मत रखता है उसे उस ख्वाब को पूरा करने का हुनर भी आना चाहिए। तुम बस शरिया बोर्ड की चेयरमैन की कुर्सी पर बैठने की तैयारी करो। कबीर अहमद, तो ये है तुम्हारी असलियत। जब तुम किसी से हार जाते हो तो पीठ पीछे उसके वार करते हो। जब तुम्हारे पास दलीलें और आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो जाते हैं तो शरीफ घरों की लड़कियों की तस्वीर वो अखबार में छपवाते हो, है ना? मतलब क्या है इस लड़की का इस कदर? नहीं अबू, आज कोई कुछ नहीं कहेगा,
सवाल हमसे हुआ है, जवाब भी हम ही देंगे। ना हमारी दलीलें खत्म हुई है मोहतरमा, ना हमारे आर्ग्यूमेंट्स खत्म हुए, और ना ही हम किसी के पीठ पे वार करते हैं। आज के अखबार में ये खबर और ये तस्वीर देखकर आपको एक सदमा लगा होगा, हम जानते हैं, पर ये भी जान लीजिए कि हमें भी ये देखकर खुशी नहीं हुई थी। ये खबर हमने नहीं छपवाई थी। झूठ बोलते हो तुम। झूठ बोलते हो तुम। हमें लगा था सफर के साथ साथ हार और जीत की कहानी भी खत्म हो गई, मगर हम गलत थे कबीर अहमद। तुम आज तक डिबेट की उस हार को भुला ही नहीं पाए, इसलिए हमारी और हमारे खामोश। हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है, इसीलिए हमारी और हमारे अब्बा की इज्जत के साथ खेलने का कोई मौका नहीं छोड़ते तुम। मगर एक बात अच्छे से सुन लो, हम तुम्हें ऐसा करने नहीं देंगे। तरस आता है मुझे उस लड़की पर जो कल तुम्हारी बीवी बनेगी। यही कहा था ना तुमने, ऐसी चुभने वाली बात शायद कोई भी लड़का कभी नहीं बुला पाए, मगर हमने बुला दिया। और तुम कहती हो हम इस हार को नहीं बुला पाए। हमें लगता था कि तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, जिसे जिसे अगर सही रास्ता मिल जाए ना तो वो कमाल कर सकती है, मगर हम गलत थे। तुम एक जिद्दी और मगरूर लड़की हो जो अपने बड़ों के लिए सिर्फ शर्मिंदगी की वजह बन चुकी हो। और हम तुमसे आज कहते हैं, तरस आता मुझे उस लड़के पे जो कल तुम्हारा शौहर बनेगा। किसी और पे तरस खाने के बजाय खुद पे तरस खाओ कबीर अहमद, क्योंकि हम तुम्हें तुम्हारी प्लानिंग में कामयाब नहीं होने देंगे। और हाँ, आज के बाद काजी इरफान सिद्दीकी को अकेला मत समझना, क्योंकि उनकी बेटी जारा सिद्दीकी उनकी ढाल बन के खड़ी है। हम अपने अब्बा की तरफ उठने वाली हर एक आंख को फोड़ने का हौसला भी रखते हैं।